أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لکھاں کروڑاں درود و سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام آل پر معزز ناظرین تکنے کشمیری بیٹھک میں سنا میزبان ثاقب نواز کشمیری مسز ثاقب نواز کشمیری آج اساں دنیا جی بلاگ اس وجہ شروع کیتا کیونکہ سن ٹائٹل تھوڑا اندازہ ہو گیا اسی کہ اج جو دیڑا آ گیا کہ جڑا میں کدھر نہ سوچنا گئے سی مطلب ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی یہاں آنے سے پہلے کہ ہم شاپنگ نہیں کریں گے लेकिन फिर भी बेगम साहिबा है जी के शॉपिंग करनी है सो एक तरह शॉपिंग वास्ते आज फजर सुबह वापस आए हैं वैसे इन्होंने अख नहीं खुली होनी फजर सुबह उन्होंने आराम फरमाता हूँ आज शॉपिंग में दरअसल आज आँख जल्दी खुली गई पता नहीं उसने क्या वजह हुई बहरहाल क्या जिसमें बाकी गलत बात हूँ इंशाल्लाह चैनल चैनल सब्सक्राइब करो अगर फेसबुक की जरूरत है वीडियो की लाजमी शेयर करें नीचे जुड़े हैं इंसान की दास्तान इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा मार्केट भी बाजार क्या कुछ रेट चली रहा है और बाकी सारे मामला क्या कुछ हैं क्योंकि अगर तुम अच्छे हो तो तुम वास्ते भी आसानी होती है लेकिन उस वजह से नीचे जुलना पैसी नीचे जुलने बस टाइम किसी सारे वेलकम करना पैसी इस चैनल सब्सक्राइब करना पैसी सब्सक्राइब करी रहे हो तो नाल ही हो गया वेलकम टू द न्यू व्लॉग साहबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डोर खोले अपने रूम अलग कि ना बेसिकली मकसद ये होना है कि चलो जिले कुछ बाहर जाओ ना तो सौ लाख लेते आराम से घूमने लगे जाओ कोई टेंशन परेशानी मसला नहीं होना बाकी लिस्टा इतनी ज्यादा हैं लेकिन जो मैं बुलाना ना कुछ है कि वो लाइक भी नहीं इशनी चलो थोड़ा वेट करने मत आई जाए आ गए नहीं यार ही गई चली गई है ये आ गई वो भी आ गई उसको उस पर कर लें वो भी ऊपर चली गई वही कह रहा सड़ना लिफ्टें कितनी हैं एक आई सी लेकिन फुल सी जो स्विच करना बैठे हैं चलो लौटने को लिफ्ट मस्जिद बिलाल पढ़ा तो भरा बाहर आ गए मदीना मुनव्वरा नहीं खूबसूरत गलियाँ माशाल्लाह तबारकअल्लाह ये तो रोड बेसिकली पार होनी है ऐसा पहले उतू पार हो सा फिर उतू पार जुला आया और वो पार सामने सा मस्जिद नज़र आ रही है वो बेसिकली है मस्जिद बिलाल पुराने जमाने में जितने साहबा इकराम ने कार होने से ना उत्थे बाद मस्जिद बनाई उड़ी गई तो नाना नहीं मैं कल वो आया खाना उधर से लेके आया था आ गए जनाब मस्जिद बिलाल को सिर्फ एक रोड ही पार करनी थी आ गए इतने बाकी इतना फुटपाथ पर छोटी मोटी दुकाना भी लगे चीजा बड़ी चंगी होनी इन्होंने सस्तियां और दूसरा पार सामने मस्जिद बिलाल ये 10 वाला ये 5 वाला ये 10 ये 5 ये 10 वाला ये 5 वाला इसने गया ब्रेसलेट लेकिन फिर भी ऐसा कितना सस्ता हो सी सस्ता तो नहीं है लेकिन लेना ये सही गई है चलो उधर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें बढ़िया लग रही है लगे अच्छा इसकी कितने बताया 10 रियाल ना मैं तो खड़ा गोल्डन था जो निकला कुछ और कलर ना नहीं नहीं बाकी दिस इज मस्जिद बिलाल माशाल्लाह तबारकअल्लाह थोड़ा तो भरा बाजार से निकलते हैं काफी चीजें ने बारे जैसा कि पता लगा मैसेज कोई पसंद आया कोई नहीं अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया ना हां अपने वैसे कि ना कुछ भी नहीं ए जितने पैसे शॉपिंग को वेस्ट हो सर ना अच्छा जितने पैसे शॉपिंग पे वेस्ट होंगे उतना हमारा नेक्स्ट किसी भी मुल्क का टूर जो है वो डिले होगा मैं आपको भी बता यार मैं अपने लिए कुछ नहीं ले रही लेकिन सबके लिए गिफ्ट तो लेने बनते हैं हां चलो कोई नहीं बाकी सारा से गिफ्ट शिफ्ट के नए और काफी कुछ भी गंदा सा इनफैक्ट शाहपुर पड़े हुए सो ये मस्जिद बिलाल ही है सारा इसने दूसरी साइड पर इसलिए सब मौजूद है माशाल्लाह तो चेक करो है मदीना बाग जा रहे हो तकरीबन बहुत अच्छा की नजर है इसे माशाल्लाह तबारकअल्लाह और ऐसे का शायद दुकान खत्म हो गई है रिवर्स नहीं आगे चलते हैं टाइम बहुत है अभी नमाज को अजान को चलो बाहर जुलना है उसे भी अच्छी दुकान दिखाई
इंशाल्लाह दाने भी बस बाकी जुले हम पार्ले बस है। हाईली रिकमेंड कर सारे कि अगर सारे कोई ना कोई चीज़ की नहीं है ना सो इस बिलाल मस्जिद ने बैक साइड पर जरूर अच्छा है काफ़ी चीज़ें सस्ते दामों लभी जा सकता है लेकिन प्राइस घटाने को पूरी मार्केट ने क्या प्राइस होनी है। बाहर सामने जनाब बिलाल मस्जिद सो उसने बिल्कुल अपोजिट साइड पर इधर आया इधर कोई दुकान मेन रोड बिल्कुल तक्की सुनी तो पार करनी पैनी है तो थले रहना दीजिए बाकी साइड पर शुरू करने दुकान सच्ची का दुकान शुरू करने फिर अगर तक दिखा इंशाल्लाह साइड दुकान पर आग लगी हुई है पर पाकिस्तानी होटल सारे जो भी है ना वो इस पास सो जुले पाकिस्तानी होटल पर खाना खा या ना खा लेकिन फिर नहीं जुला ना बेगम साहिबा शॉपिंग सस्ती है महंगी है बारह नहीं जहर है पैसे कुछ नहीं समझ लगनी है आइडिया नहीं होना बंदे की बाकी जुले कहते कुछ किन्ने पेड़ तो भ्राओ बेसिकली चिकन सालन के दो बंद त्रै पराठे तो 15 रियाल लेंगे ने सो फिर इनफ है इस एक टाइम अगर ध्याड़ी खाने होना तो दसा कि सुबह नाश्ते से बाद माड़ा नहीं ख्याल जरूरत पै के मतलब एक टाइम खाई कि ना तो ना दूसरा टाइम आराम नाल गुजरी जाना हल्का फुल्का कुछ चीज़ खाने से बाद बाकी है दूरों चेक करो मस्जिद बिलाल हूँ जुले अस बल्कि मस्जिद बिलाल नाल इतना एक म्यूजियम भी है अगर टाइम होया तो इंशाल्लाह इस म्यूजियम में जो 40 रियाल कि इसलिए है जनाब वाला एंट्री टिकट सब टिकट कि उस परले पास अगर सी जो पहली बिल्डिंग नजर आई है होटल है सो जुले अपने होटल इतने बस मेन रोड पर शारे बनते हैं और बस पर को नहीं सो रोड हमेशा एहतियात क्रॉस करो और भी थले दी गया कोई तब कुछ भी कोई भी नहीं लगा इतना थोड़ा जहा चलने से बाद आई गया सा होटल सो होटल ही चलने खाना आता वा गर्मा गर्म ही खाने उस तो बाद फिर इंशाल्लाह रेस्ट करी या मस्जिद नबी जुसा तो या कोई और ज्यादा पर इंशाल्लाह चेक करा सा अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज जोर टाइम है तो मस्जिद नबी इसलिए मौजूद हैं बाकी जगह जो नमाज पढ़ने सबसे पहले तो उसके बाद इंशाल्लाह बाकी मामला अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज पढ़ी है तो मैं जुला रसूल पर सलाम पेश करी छा कोशिश करी ना वक्तन फवक्तन इतने चक्कर लगना ही रहा सो जो भी दिन इतने बामुकदस बा मकसद गुजरना है बाकी जनाजा जय राम मोहम्मद रसूलुल्लाह सलाम सलाम।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे मुबारक की ज़ियारत हुई है। चलो सब बहाने नाल इत्थों सारियां की भी ज़ियारत हुई है, अल्लाह ताला सू सारियां की भी ध्यान है। बाकी तो जुलने हम वापस करदर बारो बार इंतजार हो रहा, जान तो नहीं होया, आज भी तक कितनी बड़ी लाइन लगी। तो जुलने वापस करा दर भेड़ो तो भ्रो नमाज पढ़ी वापस कमरे गए हैं, चेक करो ना बैगम साहब ने शॉपिंग है कि मुगड़ा आए नहीं कि बाकी फिर जुलने बिलाल मस्जिद वाले पास है उतो इंशाल्लाह कुछ जड़ी चीज़ा तक गया सर घर आए इन्हें की चीज़ा पसंद आई हैं सो हम वापस जुलने चीज़ा किन्ने वास्ते है। भेड़ो तो भ्रो बिलाल मस्जिद ने बिल्कुल कोल मौजूद है, काफ़ी बंदे यकीन करो दाने ना है जिस याद है मिकी चाय बहन कुछ बैगम साहब बने कुछ मैं बना बाकी तो फोन पोड़ो करा तो मैं थोड़े दाने पाई गए नमाज ना टाइम करीब से वापस जा रहे थे तो मैं बेगम साहब के कह कहते ध्यान सो कहते दी है ना कि आइसक्रीम ये चलो यो वेलकम बाकी आइसक्रीम खाने खाने जुलने वापस मस्जिद वाले पास है थोड़ा भ्राओ बिल आखिर रात हुई है शायद नमाज होगी पड़ी कहती है तो बाकी बेगम साहब पड़े खाना था खाना कहता मदीने की गलियां जैसा घूमी गए सर रस्ता नहीं मालूम होना तो यह भी खुशकिस्मती है मदीने की गलियां घूमना में बाकी मारे सामने इसलिए मस्जिद नबी शरीफ है ये बिल्कुल एंट्रेंस है इसलिए दूसरी तरफ जासा सा रोजा रजूर सा की नज़र इसी है गेट 329 है सो इसने बिचो निकली तो फिर असर जो अपनी रहाइश पर इंशाल्लाह बाकी यकीन करो काफ़ी दुनिया भी फिरे तुरे हैं काफ़ी जगह विजिट की लेकिन जितना मज़ा इतना आश्ता जितना सुकून इतना आश्ता वो मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी और मैं ये बता रहा हूँ कि जितना मज़ा यहाँ पर आता है इतना कहीं और नहीं आता यहाँ भटकने का भी मज़ा आता है मदीने की गली में ऐसी गली है जिससे बंदा कभी भी जाए तो हमें मज़ा भी खींचना बंदा इंजॉय करना उस चीज़ की बाकी जुले खाना शाना खाने तो सुबह में नए वीडियो नए बुला असा तो जी कि दुआवें याद रखे असा भी हदूद मस्जिद नबी दाखिल हो गई सब सौ से दुआ अल्लाह ताला तो सारे की खुश रखे आबाद रखे हसने रहो बसने रहो जितनिया भी मुसीबत परेशानियाँ अल्लाह ताला उस सारे की बचाए आखिरी बारी मस्जिद नबी ने नजारा कि नो अज नहीं वीडियो चले दिखी है थोड़े देर फिर सौ की मिलता इंशाल्लाह खूबसूरत नजारे नाल आका दो जहान नहीं बार गुरु सलाम नजराना भेजो तो नाल ही अल्लाह सुनने वाला है।